लेकिन कुछ भी कहो, क्यूट पहले से तुम्हारा भाई। मतलब कभी कभी आधी रात को नींद नहीं खुलती है। इसने तो जोकर बना दिया। एंड ये वाला तो बहुत खतरनाक है भाई, इसने दो तीन दिन रात को मेरे को डराया भी है। फाइनली इट्स डन। मैं बहुत दिन से इसको लगाने का डिले कर रहा था एंड ये लगाते टाइम मेरे को ये चीज़ मिली है। ये ऑब्वियसली मैं हूँ, ये मेरी बड़ी दीदी हैं। ये आई थिंक जब मैं थर्ड या फोर्थ में था तब की पिक्चर है। लेकिन कुछ भी कहो, क्यूट पहले से तुम्हारा भाई। क्यूटी। हाय गाइस, माय नेम इज सूरज सिंह, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे डेली व्लॉग का एपिसोड नंबर 17 एंड आज जो मैंने वीडियो अपलोड करा एपिसोड नंबर 16 उसको लेके मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ, क्योंकि छोटा सा प्रैंक करा है एंड अभी पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं। नहीं तो शाम तक देखते हैं उस वीडियो में लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है। आजकल मेरे बालों को क्या हो रहा है? शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि अभी तक तो मेरे को काफी मिक्स रिएक्शंस है, मतलब कमेंट्स में, मतलब जो मैं चाह रहा था कि लोगों को लगे कि मैं छोड़ रहा हूँ डेली व्लॉगिंग वो हो रहा है। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार, मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनको लगा, लेकिन दो लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया यार। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। एंड जब जब भी मैं यहाँ मेरठ में घर पे आता हूँ ना, मेरे को मतलब सॉफ्ट टॉयज से नफरत हो जाती है, स्पेशली टेडीज से। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को ऐसा क्यों। टेडी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्यों, मतलब क्यों? समझाओ इसे। एंड ये वाला तो बहुत खतरनाक है भाई, इसने दो तीन दिन रात को मेरे को डराया भी है। अब होता क्या था, जैसे मैं रात को सो रहा होता था, कभी कभी आधी रात को नींद नहीं खुलती है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे सो रहा हूँ रात में, ठीक है, एंड ये मेरे सामने बैठा हुआ है ऐसे, एंड आधी रात को आपकी आंख खुलती है। ओह नो। एंड सामने ऐसे बैठ के कोई आपको घूर रहा है, भैया डर तो लगेगा ना, तो मैं इसको ऐसे करके सोता था। गुड जॉब। उधर देख ले। तो आज मैं जा रहा हूँ जिम 3 दिन बाद, और अभी कुछ दिन पहले टीवी पे लुका छुपी आ रही थी, तो लुका छुपी में वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, कार्तिक और कृति सैनन। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आजकल आपको पता है ऐसा होने लगा है, तो वो बोलती कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग भी ऐसे ही रहते हो। कुछ भी। तो मतलब देख रहे हो, बातें देख लो। और अभी मैं कैमरे में पूछूंगा ना तो कुछ नहीं बोलेंगे, तो आज उनसे पूछने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या बोलती हैं। पहले एक क्विक वर्कआउट सेशन करके आते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक बकेट हैट ऑर्डर किया था, तो फाइनली वो आ गया। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शायद मैंने एक दो वीडियो पहले बताया भी था कि मैं इसको पहन के बोर हो गया हूँ, तो निकम्मा। इसने तो जोकर बना दिया। गजब बेइज्जती है। मुझे लग रहा है साइज छोटा आ गया। आई थिंक ये साइज छोटा आ गया मेरी पुरानी कैप का। मैं तो कह ही रहा था इससे बढ़िया कैप है ही नहीं। अब ठीक है, इसको रिटर्न कराना पड़ेगा और शायद एक साइज ऊपर मंगवाना पड़ेगा। उम्मीद तो बहुत थी मुझे इससे। होता है यार कभी कभी ऐसा भी, मतलब बन जाते हैं पोपट, अब क्या करें। मच 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 लेटर। पर यार साइज एक और बार डाल के देख रहा था, मतलब एक हफ्ते वेट करा है मैंने इसके लिए। आप पढ़े लिखे हैं कि क्या है? जोकर लगने के लिए। तो कुछ दिन पहले मैंने एक बकेट हैट ऑर्डर किया था और फाइनली वो आ गया है।